झारखंड के सरकारी विद्यालयों में हिंदी के साथ साथ उर्दू बोलने वाले विद्यार्थी भी पठन पाठन करते हैं। राज्य के सरकारी उर्दू स्कूल में अभी भी शिक्षकों की भारी कमी है। कई सामाजिक संगठन लगातार शिक्षकों की बहाली को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। 2007 से उर्दू को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन कई सरकारें आई गई लेकिन उर्दू स्कूलों की तस्वीर और तकदीर नहीं बदल पाई। अभी भी प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में 3,412 उर्दू शिक्षकों के पद खाली हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि यहाँ टेट पास लोगों की बहाली की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है। ऐसे में उर्दू स्कूलों को लेकर सरकार का फैसला कब आएगा? पिछले सरकार के द्वारा जो है शिक्षा अधिकार अधिनियम जो कानून बनाया गया था, या वर्तमान सरकार के द्वारा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है, उसमें स्पष्ट है कि प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को जो है उसके मातृभाषा में शिक्षा देना है। लेकिन झारखंड का दुर्भाग्य है कि यहाँ पर जो भी प्रारंभिक विद्यालय है जहाँ पर मातृभाषा में शिक्षा देना चाहिए, खास करके उर्दू स्कूलों की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर उर्दू स्कूलों में उर्दू में किताबें उपलब्ध नहीं कराया जाता है, जबकि दूसरे भाषाओं की किताबें दी जा रही है, लेकिन उर्दू के साथ भेदभाव किया जाता है। झारखंड के सरकारी उर्दू विद्यालयों में शिक्षकों की बहाली हुई है, इसके बावजूद भी काफी हिंदी विद्यालयों में उर्दू शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। गौरतलब है कि 2015-16 में शिक्षकों की बहाली हुई थी, इसमें उर्दू शिक्षकों के पद रिक्त रह गए थे। झारखंड में उर्दू प्राथमिक और मध्य विद्यालयों की संख्या लगभग 680 है, वहीं हिंदी विद्यालयों में भी उर्दू बच्चे पढ़ते हैं और वहां पर भी उर्दू की पढ़ाई होती है। 2015-16 में उर्दू शिक्षकों की बहाली हुई थी 4401 पदों पर, उसमें मात्र 689 शिक्षक बहाल हुए और 3712 पद खाली रह गया। उसमें भी ST SC के लिए जो है 1561 पद आरक्षित है, जो ऐसे भी खाली रह जाएगा। नई शिक्षा नीति के तहत आने वाले समय में विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में पढ़ाने की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में झारखंड हाई कोर्ट ने भी उर्दू शिक्षकों की बहाली को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। 12 में और 2014 में और 2016-17 में +2 स्कूलों में सभी सब्जेक्टों के टीचर बहाल हुआ है, लेकिन उर्दू का टीचर +2 स्कूलों में बहाल नहीं किया गया था। 2018 में हम लोगों ने हाई कोर्ट में रिट किया था। हाई कोर्ट का स्पष्ट डायरेक्शन है कि +2 स्कूलों में आप उर्दू शिक्षक का पद सृजित कीजिए, पद सृजित अगर नहीं हो रहा है जल्दी तो आप कॉन्ट्रैक्ट पर टीचर बहाल कीजिए। झारखंड अलग होने के बाद 2008, 2011 और 2016 में उर्दू शिक्षकों की बहाली हुई है, लेकिन जो पद रिक्त रह गए हैं उस पर बहाली की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन अविदास के साथ अंजनी की रिपोर्ट।